मम्मी जा रही है बाजार नानी को लेने के लिए, और साथ में छोटे मोटा सामान भी लेके आने आना। तो ऊपर आ गई हूँ मैं, मुझे पापा नहीं दिखे शायद, और ऊपर वाली छत पे। चलो शिविका मुँह देखो रोने लगा, दिखाओ हरा धनिया। मम्मी घास के भाव लेके आई, दिखाओ उठा के, दिखाओ उठा के। कितने का? हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पलाग और छोटे को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद कर लू कि सब लोग ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक छू, और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूँ पूनम बिश नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। और आजकल मैं आई अपने मायके, मायका है मेरा हजवानी। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज है 2 अप्रैल और आज बहुत सारा काम है, क्योंकि कल को ना लेंटर पड़ रहा है, तो लेंटर की सारी तैयारी चलने में लगी हुई है। और कल का जो सारा खाना है वो घर पे हम ही लोग बनाने वाले हैं। और आज आ रही है मेरी नानी, आने वाली है, तो मम्मी ना नानी को लेने जा रही है, क्योंकि नानी वहाँ से आज अकेले आ रही है। पिछली बार तो कंचू आई थी मेरे मामा की लड़की, लेकिन इस बार नानी अकेले आ रही है, तो मम्मी तैयार हो रही है वो देखिए। तो मम्मी जा रही है बाजार नानी को लेने के लिए, और साथ में छोटे मोटा सामान भी लेके आना है कल लेंटर का, जैसे डिस्पोजल वाली प्लेट हो गई और छोटे मोटे और भी सामान है वो ला रही है मम्मी। और कल ना हम लोग सारा खाना पीना घर में ही बनाने वाले हैं, चटनी भी बना रहे हैं। तो चटनी के लिए ना ये आम खैड़, जो आम के वो नहीं होते हैं, समझ रहे हो, आम खैड़ क्या होते हैं, आम को छील छाल के काट के सुखा करके रख देते हैं, तो ये चटनी बनाने के काम आती है। तो ये भिगा दिया, आज शाम को चटनी बनाएंगे, मतलब जितनी तैयारी कल की आज हो सकती है वो आज करेंगे। और खाना पीना हम लोग का बन चुका है, बस मैंने रोटी बनानी है और चावल बनाने, मम्मी नानी को लेके आएगी तब तक खाना पीना तैयार हो जाएगा। शुभी को मिलाऊं आपसे, शुभी को मिलाऊं, शुभी बच्चा ये रहा, ये रहा शुभी बच्चा, शुभू शुभी शुभू शुभ स्माइल कर दो, शुभ स्माइल कर दो। शुभी ना अभी सो के उठ ही रही है। चलो मैं तब तक ना शुभी के लिए दलिया बनाती हूँ। अब नाना जी के साथ बैठू, ठीक है, मैं दलिया बना देती हूँ शुभी के लिए, क्योंकि ना आज लेट हो गया। लेट तो क्या हुआ है, 1 बज रहा है, 12-1 बजे यही टाइम रहता है। तो अभी ना शाम के 4:30 बज गए हैं और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, मतलब मैंने और पापा ने खाया खाना, मम्मी अभी तक नहीं पहुंची है। मम्मी ना नानी को लेने के लिए गई थी, लेकिन नानी नहीं पहुंची अभी तक, और मम्मी वेट कर रही है बस स्टैंड पे, हमारी बात होगी मम्मी से। नानी को ना कैंची धाम मंदिर में थोड़ा सा जाम लग गया था, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होगी ना, तो इसलिए वहाँ पर जाम लग गया था, इसलिए नानी को लेट हो गया आने में। और अभी भी नानी नहीं पहुँची, अभी मम्मी का कॉल आया था तो अभी भी नहीं पहुँची है। देखो कब तक पहुँचते हैं मम्मी लोग। मम्मी घर से चले गई थी 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, मम्मी निकल गई थी घर से और अभी तक नहीं आए हैं। और शाम को ना 4:30 बज गए हैं, लेबर मिस्त्रियों का चाय का टाइम भी हो गया, तो चाय मैं बना देती हूँ। और शुभी सोई हुई है अभी तक, तो ऊपर आ गई हूँ मैं, मुझे पापा नहीं दिखे शायद, और ऊपर वाली छत पे। चलो हाँ, तो अभी मैं आ रखी हूँ छत पे, छत में काम चल रहा है, देखिए पूरा जाल बनने में लगा हुआ है। और आज अच्छी खासी धूप आ रखी है, चलो अच्छा है कि मौसम तो खुला, वरना 2-3 दिन लगातार ऐसा मौसम हो रहा था ना, इतना ठंड हो गई थी मौसम, मतलब मौसम इतना ज़्यादा ठंडा वाला हो गया था, लेकिन आज धूप आ रखी है, अच्छा हो रखा है मौसम, ये देखिए। तो चलो फिर चलती हूँ नीचे, शुभी सोई है उठ जाएगी। चलो तो शाम के ना 4:45 हो गया है और मम्मी और नानी आ चुके हैं, चलो बाहर को चलते हैं, सामान भी लेके आती हूँ।
अरे सामान, रुको रुको, लाओ मैं पकड़ लू। बाप रे भारी बहुत हो रहा है। 5 बजे आ रही है जा, तो बाप रे 5 बज गया। बस यहाँ पे रख दो सामान। एक और बैग है, चलो आ जाओ। तो नानी आ गई। बताई तेरे को नानी पहला ठीक है? हाँ नानी सुबह ठीक है। आओ, नानी को सांस की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। वो कहाँ है? भाई यहीं है। पड़ी तो है नानी। चाय पी लो पहले, पी लो पहले, आराम से पी लो आप चाय। जाम लग गया था वहाँ रास्ते में? जाम लग गया था। हाँ कैसे कैसे रहा? चुभी किसकी चुभी है? हमारी चुभ। नानी को पहचाना आपने? मम्मा की नानी, मम्मा की नानी। तो नानी लोग अभी 4:45 बजे पहुंचे, बताओ इतनी देर में। कैसे धाम में लग गया होगा ना जाम बहुत देर? पूरा सवा दो घंटे। बाप रे, किसी ने कहा ना मेरे को कोई था हमारे। नानी के पास हरी प्राणा। चुप, तुम क्या करना चाहो? चाय ठंडी हो गई, मेरे गिलास में दूध डालो। चुपी चुपी को नानी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। तो नानी है, बड़ी नानी है। चुभी बहुत दिनों बाद देख रही ना, इसलिए नहीं पहचान। बहुत दिनों के बाद, बरसों से दिख रही है। बरसों से क्या, क्यों? पिछले महीने से देखा था। एक महीने के बाद में आ गई है, इतने में भूल जाती है। चुभी चुभी नानी को देख रही है पलट पलट के। पलट पलट के देख रहा है। अरे दवाई खाई फिर रोटी खड़ी है। नानी को ना सांस की परेशानी है, तो नानी की तबीयत खराब हो गई रास्ते में। तब तभी तो मामा गुस्सा कर रहे, वो कह रहे अपनी शादी हल्द्वानी क्या गई है, घर में टिकाव नहीं हो रहा ना। तो अभी बज गया है शाम के कितना, 7 बज गया है। और कंचू आई है मिलने के लिए। ये रही कंचू। हेलो। कंचू आती है शुभ से मिलने के लिए, है ना कंचू मासी? ये रही कंचू मासी। और कंचू ना पुदीना लेके आई है, कल चटनी बनाएंगे। मैंने वो आम के खैर बोलते ना उनको, आम की खटाई खैर जो भी बोलते हैं आप लोग के वहाँ, तो वो भिगाने डाल रखे हैं। और अभी बनाएंगे चटनी, कल का काम कम हो जाएगा। और मम्मी पापा भी गए सब्जी लेने के लिए। और नानी ना सो रही, नानी की तबीयत खराब हो रही थोड़ा सा, तो नानी सोई हुई है। और ये देखो, ये हमें डांटने में लगी है बच्चा। अरे अरे, तो शर्मा गई, ये तो शर्मा गया। तो मैं कपड़ों की तय कर रही हूँ, और मम्मी पापा आ गए हैं साग सब्जी लेकर के। देखो जी, दिखाओ हरा धनिया। मम्मी घास के भाव लेके आई, दिखाओ उठा के, दिखाओ उठा के। कितने का मिला है? 5 की 1 गड्डी। 5 की 1 गड्डी, कितनी गड्डी लाया? ये देखो अच्छा खासा मिल रहा है यार। तुम्हारे बाजार में कंचू 10 रुपए का तो दे रहे हैं, लेकिन इतना अगर हम अपने खेत में लगाते कि इतने रुपए का होता, मेहनत अलग लगती। इतना सारा धनिया लेके आ गई मम्मी। क्या ना, हाँ फिर भी आ ही रही है। और क्या लेके आए? दिन में भी आना है कंचू, 12 बजे करीब काम करेगी, थोड़ा पटे इधर जाएगी उधर जाएगी। और क्या लाई? और किसी से भी और मिर्चा लाई है 250 ग्राम। 250 ग्राम ही लाई बस? लाल मिर्च डाली है ना। पढ़ा के? अरे कंचू ट्यूशन पढ़ाती है, गुड। तो सब अपने अपने कामों में लगे हैं, नानी को भी काम दे दिया है ये चने भिनने का। कल लेंटर में ना चने की सब्जी भी बनाएंगे हम, चने और आलू की तरी वाली बनाने वाले हैं। तो नानी काम कर रही है यहाँ पे,
नानी चने भिन रही है और मैं किचन में खाना पीना बना रही हूँ और कल के लिए चटनी भी बना रही हूँ। बाकी मम्मी झाड़ू पोछे में लगी हुई है, ये देखो मम्मी झाड़ू पोछा कर रही है, पापा लिस्ट विस्ट बनाने में लगे हैं क्या क्या सामान चाहिए करके, तो सब अपने अपने कामों में लगे हैं। शुभ भी अपने काम में लगी है, वो सोई हुई है। शुभ का सोना ही सबसे बड़ा काम है क्योंकि शुभ सो जाती ना तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो अब मैं चटनी बनाती हूँ और खाना पीना, तो जागती है, हम सोते हैं तो जाग जाती है, सही कह रही है मम्मी तो चलिए फिर सारा काम हम करते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय मॉम। मम्मी पोछा मार रही है।